हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शन बाय सलीम। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 140 क्वेश्चंस इस वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान से सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ भी इकोनॉमिक्स यूज़ होती है तो उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो आप ध्यान से सुने। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन है ए, दैट इज़ मार्शल। मार्शल इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? वैसे अगर हम गूगल देखें वो शायद वहाँ पे मिस्टेक भी हो सकती है। गूगल में ये क्लियर लिखा है एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? तो ये एक और क्वेश्चन था कि हु इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें मार्शल मार्शल अल्फ्रेड मार्शल भी एडम स्मिथ ही है, लेकिन आंसर में है कि एडम स्मिथ इज़ वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ही इज प्रपोज्ड मेनी थ्योरीज एंड डिड इन्फ्लुएंशियल वर्क्स ऑन टॉपिक्स एज मार्केट कैपिटलिज्म। ही आल्सो रोट वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है ना? ये आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है? तो उसके हिसाब से तो ए होना चाहिए। ए तो है ये वाला मार्शल, लेकिन एडम स्मिथ ही है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकेंड क्वेश्चन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विथ, आंसर है दूसरे का आंसर है डी, ठीक है? दूसरे का आंसर इज डी, दैट इज दिस वन, के हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, ठीक है? हाँ, के नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विथ हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, ठीक है? डी है इसका। थर्ड इज सेट्रिक्स पेरिबस, CETRIS, सेट्रिक्स पेरिबस मीन्स, इसका आंसर है सी, दैट इज अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ठीक है? ये सेट्रिक्स पेरिबस का मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है? हाँ, फोर्थ क्वेश्चन इज इसका आंसर है बी, के माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद, आंसर है इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है? यस। फिफ्थ क्वेश्चन इज इन इकोनॉमिक्स गुड्स इंक्लूड्स मटेरियल थिंग्स विच, आंसर है मतलब बोथ ए एंड बी, विच कैन बी ट्रांसफर्ड एंड विच कैन बी विजिबल, ठीक है? वो होगी कौन सी, मटेरियल थिंग्स, गुड्स इंक्लूड मटेरियल थिंग्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड एंड विजिबल। सिक्स इज ह्यूमन वांट्स आर, सिक्स का आंसर है बी, के ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है? यस। सेवंथ क्वेश्चन इज नेचर ऑफ पीपीएफ कर्व, ठीक है? नेचर ऑफ पीपीएफ कर्व इज, आंसर है सेवंथ का आंसर है बी, ठीक है? कनकेव टू द ओरिजिन, के पीपीएफ कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर एट इज के इफ पीपीएफ इज लीनियर इट इम्प्लाइज, आंसर है एट्थ का ये वाला ए, ठीक है? अ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट, ठीक है? इफ पीपीएफ इज लीनियर इट इम्प्लाइज अ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट, ठीक है ना? नाइन्थ इज एट एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीएफ इज, आंसर इज अनअटेनेबल बी, ठीक है ना? हाँ, एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीएफ इज अनअटेनेबल, ठीक है? टेंथ का इसका भी आंसर बी आएगा, ठीक है? के इफ एन इकॉनमी इज वर्किंग एट द पॉइंट लेफ्ट टू द पीपीएफ कर्व, दैट शोज, आंसर है दैट शोज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 के हाँ, कि द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, आंसर है स्कार्सिटी, आंसर इज स्कार्सिटी, ठीक है ना? 11 का डी। 12th का क्वेश्चन है, आंसर इसका ए आएगा। हाँ, क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स इज बेस्ट डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिजनेसेस गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज मेक चॉइसेस टू कोप विथ स्कार्सिटी, ठीक है ना? यस, ये है आंसर इसका। 13 क्वेश्चन का आंसर है बी, के एज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट स्कार्सिटी अप्लाइज टू, आंसर है बोथ मनी एंड टाइम, स्कार्सिटी मनी और टाइम पे अप्लाई होती है, ठीक है ना? 13 क्वेश्चन हो गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर आएगा ए, ठीक है ना?
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आंसर है एक्सेप्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, इसको छोड़ के बाकी ये जो सारे हैं ना इन सभी पे जो है यूज़ होती है क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स, के द परचेजिंग डिसीजंस दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर मेक्स, द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज ऑन द टैक्स ऑन सिगरेट्स ऑन सिगरेट सेल्स, द हायरिंग डिसीजंस दैट अ बिजनेस मेक, ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। नेक्स्ट इज स्टडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन इंडिविजुअल मार्केट्स इज प्राइमरली अ कंसर्न ऑफ, आंसर है बी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, 16वें का आंसर है सी दोनों। ठीक है, कि प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज आर, आंसर है बोथ ए एंड बी, मींस दे आर स्कार्स इन रिलेशन टू अवर नीड्स, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। 16वां 17वां क्वेश्चन है इसका आ गया डी। ठीक है, 17वें का डी है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये मतलब कि रिसोर्सेज आर स्कार्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18 का है, इसका आंसर है लिमिटेड, के द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज 19 का क्वेश्चन, इसका आंसर है वेरीफिएबल। ठीक है, ए के पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स विच आर वेरीफिएबल। ठीक है ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, आंसर है बी ओपिनियंस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियंस से डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का आंसर है सी वाला। ठीक है ना, के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का आंसर है सी। ठीक है ना, ये देखो 22 का आंसर है सी, के फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, हाँ, 23 का आंसर इज डी ये वाला, के इफ यू डिडक्ट ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट वी अराइव एट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, यस। 24 क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है डी है 24 का ये वाला, के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रेवेन्यू अकाउंट, आंसर है इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां है, के 25वें का आंसर आ गया सी, 25 का आंसर है सी। ठीक है, के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट इन गवर्नमेंट बजट, आंसर है बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट इज 26, 26 का आंसर है सी, के इक्वालिटी इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट थ्रू, आंसर है रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर से। ठीक है, इक्वालिटी लाई जा सकती है। देन 27 का आ गया ए, 27 क्वेश्चन का जो आंसर है ए है, कि फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट इज इक्वल टू नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर ए वाला। ठीक है, कि फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, टोटल डेफिसिट का मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस माइनस सम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट रिकवरी ऑफ लोन्स एंड रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, इन तीनों को सम करो फिर उसको माइनस कर दो टोटल एक्सपेंडिचर से, तो वो जो है फिस्कल डेफिसिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, कि फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBMA वाज पास टू कीप चेक ऑन, आंसर है बोथ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, इस पे चेक रखने के लिए FRBMA एक्ट लाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर है डी, 30 का आंसर है डी। हाँ, क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट 2003 एंड FRBM रूल्स 2004, द गवर्नमेंट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट 3 स्टेटमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द एनुअल बजट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो हाँ, वो जो 3 स्टेटमेंट है उनमें से ये नहीं है, शॉर्ट टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट ये नहीं है, बाकी ये 3 स्टेटमेंट है। नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, 2
फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, थर्ड मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये तीन कर जाते हैं ना कि ये वाले, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द टर्म कंज्यूमर गुड्स इज़ यूज बाय इकोनॉमिस्ट टू रेफर टू, आंसर है बी वाला कि गुड्स अदर देन फ्री गुड्स हुज यूज डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वांट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस दैट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज ऑब्टेंड एट मिनिमम सेक्रीफाइस, ठीक है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। हाँ, देन क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है डी, ठीक है, कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर ऑल पर्संस फॉर नॉर्मल गुड्स, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर ऑल पर्संस फॉर नॉर्मल गुड्स, ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है, 34 का आंसर है डी, ठीक है, ये वाला कि द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑन डिमांड ऑफ कम्पिटिटिव गुड्स जनरली इज, आंसर है जनरली इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इट इज जनरली इज इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जिसका आंसर है बी, 35 वाला, ठीक है, आंसर है इसका बी, ठीक है। हाँ, कि इफ अ डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट इट मींस डिमांड फंक्शन हैज़ इम्प्रूव, ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 36 है कि द इनडिफरेंस कर्व शो, 36 का आंसर है ना सी, ठीक है, 36 का आंसर है सी, ये वाला, के द इनडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स अबाउट विच अ कंज्यूमर इज न्यूट्रल, ठीक है, यस। देन क्वेश्चन नंबर 37 का जो है आंसर है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ए, ठीक है, कि फॉर अ कमोडिटी गिविंग लार्ज कंज्यूमर सरप्लस द डिमांड विल बी लेस इलास्टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ए, कि व्हेन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज जीरो द गुड्स आर, आंसर है कम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। 39 क्वेश्चन का आंसर है डी, दिस वन, कि द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस इज मेजर्ड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के इसका आंसर है सी, के विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ जे आर हिक्स इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ डिमांड, आंसर है ये कि मार्शल्स थ्योरी विथ पेरेटोज मेथड, ठीक है ना, यस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इन द केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड, आंसर इसका डी होगा, ठीक है, इन द केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड, आंसर है सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स आर नेगेटिव, ठीक है, इन्फीरियर गुड के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 42 इसका आंसर होगा बी, ठीक है ना, कि टू गुड्स हैव टू बी कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली आर, आंसर है दे आर कम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 है जिसका आंसर है बी, ठीक है, कि एन इनकम डिमांड कर्व फॉर इन्फीरियर कमोडिटी ऑलवेज स्लोप्स, आंसर है बैकवर्ड्स, ठीक है ना। हाँ, 44 का आ गया ए, ठीक है, कि व्हेन बोथ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट एंड द प्राइस ऑफ अ कम्प्लीमेंट ऑफ कमोडिटी एक्स राइज द डिमांड फॉर एक्स राइजेस, ठीक है। 45 का आ गया, 45 का आंसर है डी, कि इफ़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेंस अनचेंज्ड एज इट्स प्राइस चेंजेस द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, आंसर है, ठीक है, जीरो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इफ एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिक्रीज इन प्राइस टोटल आउटले ऑन अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, ये आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ए, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद अल्फ्रेड मार्शल, आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल से जुड़ा। हाँ, देन 48वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, ठीक है, कि क्वेश्चन है कि हाँ क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स द स्लोप ऑफ द इनडिफरेंस कर्व इज, आंसर है इट इज एल शेप, ठीक है, एल शेप्ड होगा ये। देन क्वेश्चन नंबर 49 इसका आंसर होगा बी, ठीक है, ये वाला कि द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन इन्फीरियर गुड इज
लेस देन ज़ीरो, ठीक है। 50 का इसका आंसर है ए, कि इफ़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 द कमोडिटी इज़ अ लग्जरी। कब? जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, लग्जरी होगा, ठीक है, कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, कि पॉइंट इलास्टिसिटी वाज प्रोपोंडेड बाय, आंसर है मार्शल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लग्जरी गुड्स हैव, आंसर है हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। देन 53 का आंसर है सी, के द डिमांड फॉर साल्ट इज इन इलास्टिक बिकॉज नो नो सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, के प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर इलास्टिक इफ इट हैज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, अगर इसके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हैं इट विल बी मोर इलास्टिक, ठीक है। देन 55 का आंसर है, आंसर है इसका ये वाला, कि इफ द प्राइस ऑफ अ बर्गर राइजेस फॉर 12 रुपीज़ पर पीस टू 20 रुपीज़ पर पीस एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डेली सेल्स डिक्रीज फ्राम 300 to 200 pieces पर डे द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एस्टिमेटेड एज 0.5, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू इफ, आंसर है बी, कि इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यस यस सेकंड इसका आंसर था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वाइन इज एस्टिमेटेड टू बी -6 देन अ 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाइन विल लीड टू, आंसर है 12% इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड फॉर वाइन एट दैट प्राइस, ठीक है, 12% इंक्रीज, ये आंसर इसका। देन 58 का आंसर होगा बी, ये वाला, ठीक है। हाँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, आंसर है नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स इज नॉट अ फैक्टर इन मार्केट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। 59 का होगा ए, 59 का ए है कि विच ऑफ दिस विल हैव हाईली इन इलास्टिक सप्लाई, आंसर है पेरिशेबल गुड्स विल हैव हाईली इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। देन 60 का आंसर होगा बी, 60 का आंसर है बी, कि द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज एस एस एक्स इज इक्वल टू 5px+3 वेयर px स्टैंड फॉर प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड करस्पोंडिंग टू प्राइस ऑफ 2 rupees विल बी, आंसर है इट विल बी 13, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हाँ 61 इसका आंसर है बी होगा, ठीक है, कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड, ठीक है। यस, 62 का आंसर भी बी ही है, ठीक है, कि द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, आंसर है इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट गुड। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है सी, कि इफ़ एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम्स लीड्स टू अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैंपिंग इक्विपमेंट देन कैंपिंग इक्विपमेंट इज, आंसर है इट इज़ एन इंफीरियर गुड, ठीक है। देन 64 का आंसर होगा डी, कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ गुड इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस देर इज़ अ सरप्लस एंड द प्राइस विल फॉल, ठीक है। यस, देन 65 का जो है आंसर होगा डी, के एन इन्फीरियर गुड इज़ वन फॉर विच एन इंक्रीज इन इनकम कॉजेस डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। देन 66 का आ गया सी, ठीक है, 66 का सी, के इफ़ अ स्मॉल परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड ग्रेटली रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड द डिमांड फॉर दैट गुड इज प्राइस इलास्टिक, ठीक है, डिमांड फॉर दैट गुड इज प्राइस इलास्टिक, ठीक है। देन 67 का आंसर है ए, के इन जनरल अ फ्लैटर डिमांड कर्व इज मोर लाइकली टू बी प्राइस इलास्टिक, ठीक है, 67 का ए है। देन 68 का है बी, ठीक है,
इफ़ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज नेगेटिव, द टू गुड्स आर लाइकली टू बी कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन के इफ देर इज एक्सेस कैपेसिटी इन अ प्रोडक्शन फैसिलिटी, इट इज लाइकली दैट द फर्म सप्लाई कर्व इज प्राइस इलास्टिक। आंसर है प्राइस इलास्टिक। ठीक है, हाँ डी आंसर। 70 का आंसर है सी, 70 क्वेश्चन का कि इफ कंज्यूमर्स थिंक दैट देर आर वेरी फ्यू सब्सटीट्यूट फॉर अ गुड, देन डिमांड वुड टेंड टू बी प्राइस इन इलास्टिक, डिमांड वुड टेंड टू बी प्राइस इन इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकार्डियन थ्योरी एंड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। आंसर है दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। ठीक है, 72 का आंसर है बी के इफ बी वाला। ठीक है कि इफ़ द सप्लाई ऑफ अ फैक्टर कैन नॉट बी इंक्रीज इन द शॉर्ट पीरियड एंड डिमांड फॉर इट इंक्रीजेज, इट विल आंसर है इट विल अर्न अ क्वाजी रेंट, इट विल अर्न अ क्वाजी रेंट। ठीक है, 73 का आंसर है डी। ठीक है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी रेंट राइजेज ऑन ऑल फैक्टर्स, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी रेंट राइजेज ऑन ऑल फैक्टर्स। ठीक है, 74 का आंसर है ए। ठीक है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी रेंट इज डिफरेंट बिटवीन, रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी 74 का यह आंसर। देन 75 का आंसर है ये भी ए है। ठीक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म क्वाजी रेंट वॉज यूज बाई मार्शल। ठीक है, 75 का ए। देन 76 का जो है ये भी आंसर है ए कि क्वाजी रेंट इज अ शॉर्ट पीरियड फेनोमिनल, क्वाजी रेंट इज अ शॉर्ट पीरियड फेनोमिनल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 आंसर है ए कि क्वाजी रेंट इज आंसर है प्राइस ए बी सी, क्वाजी रेंट इज प्राइस ए बी सी। ठीक है, जैसे 76 का ऊपर वो भी ए था ना कि क्वाजी रेंट इज अ शॉर्ट पीरियड फेनोमिना, देन फर्दर एडिशनल पॉइंट है कोई क्वाजी रेंट इज प्राइस ए बी सी। देन क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है सी। ठीक है कि द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जॉन रॉबिन्सन, जॉन रॉबिन्सन ने। ठीक है, हाँ 79 का आंसर है डी के अ फैक्टर विल नॉट अर्न रेंट इफ इट्स सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक फॉर ऑल अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका आंसर भी डी ही है कि इन अ सेंस ऑल रेंट्स आर स्कार्सिटी रेंट्स एंड ऑल रेंट्स आर डिफरेंशियल रेंट्स आर वर्ड्स ऑफ, आंसर है मार्शल, मार्शल के वर्ड्स हैं कि इन अ सेंस ऑल रेंट्स आर स्कार्सिटी रेंट्स एंड ऑल रेंट्स आर डिफरेंशियल रेंट्स, मार्शल ने बोला गया। ठीक है, देन 81 का देखते हैं कि 81 का आंसर है डी ऑल ऑफ दी थ्री। ठीक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फीचर ऑफ द मार्केट, आंसर है बायर सेलर प्राइस ऑल ऑफ थ्री। ठीक है, बायर सेलर प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 जिसका आंसर है ए, ये वाला कि इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्न्ड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आंसर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, 83 का आंसर है ए, 83 का आंसर भी जो है ए ही है कि इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट ऑनली। ठीक है, लॉन्ग रन में। नेक्स्ट 84 में, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ए। ठीक है कि अ फर्म फेसेस द शट डाउन सिचुएशन व्हेन, आंसर है व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है डी। ठीक है कि अ फर्म दैट मेक्स प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, देन 86 का आंसर है डी। ठीक है ना कि 86 का डी है कि द मार्केट स्टेट दैट सेटिस्फाई ऑल द असेंशियल फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक्सेप्ट आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज, आंसर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इसका आंसर है ए। ठीक है कि इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटिव मार्केट द फर्म मेक्स, आंसर है द फर्म मेक्स प्रॉफिट्स एंड न्यू फर्म्स जॉइन द मार्केट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है एक, ठीक है, कि विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विद द मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट, आंसर है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, जिसका आंसर है बी, ये वाला, कि इन अ कम्पिटिटिव मार्केट इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, ठीक है, कम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, जिसका आंसर है ए, 90 का आंसर है ए, कि अ मोनोपोली डिमांड कर्व इज सेम एज इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है बी, 91 का आंसर है बी, कि द मार्केट टाइप नोन एज परफेक्ट कंपटीशन इज हाईली कंपिटिटिव एंड फर्म्स फाइंड इट इम्पॉसिबल टू अर्न एन इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। देन 92 का आंसर है ए, 92 का आंसर है ए, ठीक है, के विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप्स हैज ऑल फर्म्स सेलिंग प्रोडक्ट सो आइडेंटिकल दैट बायर्स डो नॉट केयर फ्रॉम विच फर्म दे बाय, ठीक है, आंसर है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ये डी, ठीक है, कि विच ऑफ द फार्मिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट, आंसर है फार्मिंग, ठीक है, यस। देन 94 जो है, इसका आंसर है बी, ये वाला, कि विच ऑफ द फार्मिंग मार्केट टाइप्स हैज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ फर्म्स, आंसर है मोनोपोली में फ्यूएस्ट नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अ प्राइस टेकिंग फर्म, आंसर है ए, कि अ प्राइस टेकिंग फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 जो है, क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है डी, ठीक है, हाँ 96 का आंसर है डी, कि अ मोनोपोली इज अ मार्केट विद वन सप्लायर, ठीक है, 96 का डी है, कि अ मोनोपोली इज अ मार्केट विद वन सप्लायर, 96 का डी, ठीक है। देन 97 का आंसर है बी, 97 का आंसर जो है बी है, कि इफ़ द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड इनेबल्स वन फर्म टू मीट द इंटायर मार्केट डिमांड एट अ लोअर प्राइस देन टू आर मोर फर्म्स गुड देन दैट फर्म हैज़ अ नेचुरल मोनोपोली, ठीक है, नेचुरल मोनोपोली। देन 98 का आंसर है डी, 98 का आंसर डी है, ठीक है, कि इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ईच फर्म सप्लाईज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट, दिस अकर्स बिकॉज देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, दिस अकर्स बिकॉज देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है, 98 का डी। 99 का, 99 का आ गया बी, ठीक है, 99 का क्या है बी, के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री, आंसर है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये, ठीक है, हाँ। और ये क्वेश्चन 99 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका आंसर भी बी है, कि आ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैज़ क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 101 जो है, इसका आंसर है सी, ठीक है, सी, के प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फैक्टर नहीं है प्रोडक्शन फंक्शन, बाकी लैंड लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है, इसका आंसर है होगा बी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 102 है, कि द लॉ ऑफ रिटर्न्स इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स को ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। 103 का आंसर है डी, ये है डी, जिसमें आ गया इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है, पहले डैश में भी इंक्रीज दूसरे में, ठीक है, 103 का डी है आंसर, हाँ, दोनों में इंक्रीज इंक्रीज है, दो डैश है ना, कि द लॉ ऑफ रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड एंड व्हेन अदर्स आर वेरिड द टोटल आउटपुट इन द इनिशियल स्टेज विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड आफ्टर रीचिंग सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट द टोटल आउटपुट विल इंक्रीज एट डिक्लाइनिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है डी, ठीक है ना, पहले डैश में फिक्स दूसरे में वेरिएबल, कि इन द शॉर्ट रन इट इज अज्यूम्ड दैट कैपिटल इज अ फिक्स्ड फैक्टर इनपुट एंड लेबर इज अ वेरिएबल इनपुट, ठीक है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है
सी के प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है बी के द प्रोड्यूसर हैज़ टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट टू अटेन प्रॉफिट्स। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, कि वेयर द स्लोप ऑफ आइसो क्वेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ आइसो कॉस्ट, वेयर द स्लोप ऑफ आइसो क्वेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ आइसो कॉस्ट देयर लाइज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर होगा सी। ठीक है, आगे है सी। ठीक है, ये आंसर देख लेते हैं। आंसर सी का ऑप्शन है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाँ, कि व्हेन द स्कोप फॉर डिवीजन ऑफ लेबर गेट्स रिस्ट्रिक्टेड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट रिमेंस कांस्टेंट देन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इज सेट टू ऑपरेट। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द इनपुट डज नॉट लीड टू इक्विवेलेंट इंक्रीज इन आउटपुट द आउटपुट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है बी, दिस वन। ठीक है, के विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द शॉर्ट रन रिलेशनशिप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। आंसर है फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फैक्टर प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द शॉर्ट रन रिलेशनशिप ऑफ इनपुट और फैक्टर प्रोडक्टिविटी। देन 111 का आंसर है डी। ठीक है, 111 का आंसर है डी के डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन व्यूड एज अ चेन ऑफ डिस इक्विलिब्रिया बाई ए ओ हिर्चमैन। ठीक है, एंड डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन व्यूड एज अ चेन ऑफ डिस इक्विलिब्रिया बाई ए ओ हिर्चमैन। ठीक है, 112 का आंसर आ गया डी। 112 का आंसर है डी कि इन डेवलपिंग इकोनमी सरप्लस लेबर एग्जिस्ट इन द सेंस दैट ईच लेबर इज वर्किंग फॉर आवर्स लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स दिस व्यू हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाई, आंसर है ए के सेन। दिस व्यू हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाई ए के सेन। देन 113 का आंसर आ गया, 113 का आंसर है डी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू, 113 का डी है ना, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम विद स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आंसर इसका सी है कि हु प्रपोंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ हारमोनियस एंड कम्युलेटिव प्रोसेस, प्रोफेसर जे शुम्पिटर ने। ठीक है, हाँ, प्रोफेसर जे शुम्पिटर प्रपोंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ हारमोनियस एंड कम्युलेटिव प्रोसेस, प्रोफेसर जे शुम्पिटर ने। ठीक है, देन 115 का आंसर होगा बी। ठीक है, वो आगे देखेंगे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इज़ टू, आंसर है इज़ टू इंश्योर अ हायर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए सी वाला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर इज़ अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटेड बाई W.A. Lewis। W.A. Lewis ने ये जो है डेवलपमेंट मॉडल इनिशिएट करा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, W.A. Lewis ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 117, जिसका आंसर होगा डी, ये वाला के डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी अ डेवलपिंग कंट्री में स्टिल नॉट ग्रो फास्ट प्राइमरली ड्यू टू हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, 118 का आंसर जो है ये भी जो है 118 का आंसर डी होगा। ठीक है, के द टू गैप थ्योरी इज अप्लाइड टू डेवलपमेंट प्लानिंग, द टू गैप थ्योरी एज अप्लाइड टू डेवलपमेंट प्लानिंग रेफर्स टू, आंसर है इट रेफर्स टू सेविंग कंस्टेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कंस्टेंट। ठीक है, रेफर टू सेविंग कंस्टेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कंस्टेंट। ठीक है ना, 118 का डी। 119 का जो है ये आया सी, 119 का जो है ये सी है। ठीक है,
मिरडाल बिल्ड्स हिज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अराउंड द आइडिया ऑफ, 119 का आंसर है सी, ठीक है, कि मिरडाल बिल्ड्स हिज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अराउंड द आइडिया ऑफ, हाँ बोथ ए एंड बी, नंबर वन रीजनल इनइक्वालिटीज़ ऑन द नेशनल प्लान, सेकंड रीजनल इनइक्वालिटीज़ ऑन द इंटरनेशनल प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 जिसका आंसर है ए, ठीक है 120, के इफ़ यू लाइक टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट, आंसर है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि इफ़ यू लाइक टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, हाँ आई वुड सजेस्ट द इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, हाँ जो कि ये है यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना। तो हाँ क्वेश्चन है कि द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग अपॉन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोमोट सॉरी प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज मटेरियल एंड इमेटेरियल इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स, दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम वॉज गिवन बाई, आंसर है दिस वॉज गिवन बाई अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 है, इसका आंसर जो है डी होगा, ठीक है, के द टोटल इनकम अर्नड इन एनी गिवन ईयर बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज मेजर्ड बाय, आंसर है नेशनल इनकम के जरिए मेजर करी जाती है। देन 123 का आंसर होगा जी, 123 का आंसर है डी, ठीक है, 123 का आंसर है डी डेप्रिसिएशन अलाउंस, ठीक है, के इन कैलकुलेटिंग अ कंट्रीज जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, आंसर है डेप्रिसिएशन अलाउंसेस इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, जब किसी कंट्री की जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस कैलकुलेट करेंगे, बाकी जो है हम जीएनपी एट मार्केट कैलकुलेट करने एट मार्केट प्राइसेस में कैलकुलेट करने के लिए हम ये इंक्लूड करेंगे जिसमें वेजेस एंड सैलरीज बिफोर टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस बॉन्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। देन 124 का आंसर है, ये 124 का आंसर जो है बी है, ठीक है, 124 का बी है ना ये वाला, के एन एग्जांपल ऑफ डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम वुड बी कॉटन आउटपुट एंड कॉटन क्लॉथ आउटपुट, ठीक है, ये एग्जांपल है डबल काउंटिंग है नेशनल इनकम में। देन 125 जो है इसका आंसर है सी, 125 का आंसर है सी, के डबल काउंटिंग मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दिस मीन्स दैट देर मस्ट बी अ डिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। 126 का आंसर है सी, 126 का आंसर है सी, 126 का आंसर इज सी, के विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेड इन डिटर्मिनिंग जी एन पी, आंसर है एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल, ठीक है, कि एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल, ठीक है ना, हाँ इट इज़ काउंटेड इन डिटर्मनिंग जी एन पी, जी एन पी कैलकुलेट करने में ये जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है तो उसको इंक्लूड करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। देन 127 क्वेश्चन जिसका आंसर ये डी है, कि अमंग थ्री स्टेटमेंट्स विच वन क्लियरली एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ सब्सिडीज, ठीक है, सब्सिडीज़ का मतलब जो है कौन सी स्टेटमेंट सही करती है, वो ये से एक्सप्लेन करिए, कि सब्सिडीज जो हैं दे आर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरप्राइजेज विदाउट बाइंग एनी गुड्स ऑन सब्सिडीज, ठीक है, सो दीज आर सब्सिडीज, के पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरप्राइजेज विदाउट बाइंग एनी गुड्स आर सब्सिडीज, ठीक है, फ्री में पैसा देना, ठीक है, वो सब्सिडीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 जिसका आंसर है ये डी वाला, ठीक है ना, 128, हाँ, कि द डिफरेंस बिटवीन ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रास डोमेस्टिक, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एंड जीएनपी एंड ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज इक्वल टू, आंसर है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। उसके बाद 129 देखते हैं जिसका आंसर है ए, के नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस
प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। 130 क्वेश्चन का आंसर है डी, दिस वन, ठीक है। कि व्हेन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव देन नेट इन्वेस्टमेंट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। देन 131 का आंसर है डी, ठीक है। कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, आंसर है डीफ्लेशन, अपोजिट है इन्फ्लेशन का। देन 132 का आंसर है ए, ठीक है। कि विच वोट ऑफ द फॉलोइंग इज फेनामिना दैट लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, आंसर है ये, कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस फेनोमिना से होती है, आंसर है इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउट स्पेसेस एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में वो आउट स्पेस कर देती है एग्रीगेट सप्लाई को, तो तब जो है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है सप्लाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 का, कि इन्फ्लेशनरी गैप सेट टू एग्जिस्ट व्हेन, आंसर है व्हेन रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। कि इन्फ्लेशनरी गैप सेट टू एग्जिस्ट व्हेन रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। हाँ 133 का हो गया। देन 134 का आंसर है बी, 134 का आंसर ये है बी, ठीक है ना। कि डिफ्लेशनरी गैप सेट टू एग्जिस्ट व्हेन रियल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप सेट टू एग्जिस्ट व्हेन रियल जीडीपी लेस देन पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, हाँ, कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेनोमेना दैट लीड्स टू स्टैगफ्लेशन, आंसर है ये, कि स्टैगफ्लेशन इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन अलॉन्ग विद डिप इन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दिस इज अ फेनोमेना दैट लीड्स टू स्टैगफ्लेशन इज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर होगा ए, 136 का आंसर होगा ए, ठीक है ना। ये देखो 136 का है, कि एन इंक्रीज इन इंजेक्शंस इन टू द इकॉनमी में लीड टू, आंसर है इट में लीड टू एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। देन 137 का आंसर है जी बी, 137 का आंसर है बी, ठीक है ना। कि एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज मोर लाइकली टू लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन इफ एग्रीगेट सप्लाई इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। कि एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज मोर लाइकली टू लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन इफ एग्रीगेट सप्लाई इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, अगर वो इनइलास्टिक है सप्लाई। हाँ देन 138 का आंसर होगा ए, 138 का आंसर है ए, ठीक है। कि द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द प्राइस कंपिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्रीज प्रोडक्ट्स में बी ऑफसेट बाई, आंसर है एन अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द प्राइस कंपिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्रीज प्रोडक्ट्स में बी ऑफसेट बाई एन अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, ठीक है ना। 138 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, जिसका आंसर ये सी है। क्वेश्चन है कि मेन्यू कॉस्ट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर टू, आंसर है कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू, ठीक है। मेन्यू कॉस्ट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर टू कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू, ठीक है ना। यस क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर है डी, कि द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड व्हाट, आंसर है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। के द फिलिप्स कर्व, ठीक है, द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान रिलेशनशिप शो करता कौन, फिलिप्स कर्व। बाकी जो हमने 140 क्वेश्चन पढ़े, अगर किसी क्वेश्चन का आपको लगता है कि हमने गलत आंसर टिक करा, तो ये सारे आंसर जो हैं एंड पे दिए गए हैं, आप इनको पास करके अच्छी तरह देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आपको कोई डाउट है आप देख सकते हो, ठीक है, पूरे 140 क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।